करेरी पंचायत के घनसुई वार्ड नंबर 2 के निवासी बिशन दत्त पुत्र स्वर्गीय मुंशी राम ने लगभग 10 कनाल भूमि में 110 मण मक्की की फसल की पैदावार की है। वहीं आजकल के 50% किसानों ने आवारा पशुओं और बंदरों की भरमार होने के कारण खेती करना छोड़ दिया है। वहीं बिशन दत्त व उनकी पत्नी ने कड़ी मेहनत करते हुए इतनी ज्यादा बंपर मक्की की फसल की पैदावार की है कि वहीं इस उपलब्धि के लिए करेरी पंचायत के प्रधान सुदर्शन शर्मा ने बिशन दत्त को पंचायत की तरफ से 1500 रुपए देने की घोषणा की है। करेर पंचायत के घनसुई वार्ड नंबर 2 के निवासी बिशन दत्त पुत्र लेट मुंशी राम ने लगभग 10 कनाल भूमि में 110 मण मक्की की फसल की पैदावार की। वहीं आजकल के 50% किसानों ने आवारा पशुओं और बंदरों की भरमार होने के कारण खेती करना छोड़ दिया है। वहीं बिशन दत्त व उनकी पत्नी ने कड़ी मेहनत करके इतनी ज्यादा बंपर मक्की की फसल की पैदावार की। वहीं इस उपलब्धि के लिए करेर पंचायत के प्रधान सुदर्शन शर्मा ने बिशन दत्त को पंचायत की तरफ से 1500 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं बिशन दत्त बरसर उपमंडल के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आवारा पशु जंगली जानवर होने के बावजूद इतनी ज्यादा बंपर फसल की पैदावार की है। मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं गांव घनसुई का दौरा किया प्रधान जी के साथ, राजेश कुमार जी के साथ। तो हमने वहां पर देखा कि हमारे बिशन दत्त जी किसान हैं, सन ऑफ लेट श्री मुंशी राम जी। इन्होंने गांव घनसुई, इन्होंने बहुत अच्छी फसल पैदा की मक्की की, जंगली जानवरों से बचाया, यहां जो लोकल आवारा पशु हैं उनसे भी इन्होंने पशु बचाया, और भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके इस फसल को सींचा है। बहुत अच्छी फसल इन्होंने पैदा की है और मैं इनको अपनी पंचायत की तरफ से 1500 रुपये देने की घोषणा करता हूं। और मैं आगे भी ये लोगों के और किसान जो हमारे इलाके में हैं उनको एक प्रेरणा स्वरूप रूप में उभरें और लोगों को ये अपना संदेश दें, लोगों को बाकियों को भी गाइड करें किस प्रकार से फसलों को बचाना है, किस प्रकार से हमने मेहनत करके ज़्यादा जो पैदावार जो है वो लेनी है। ये बहुत मेहनती और अनुभवी किसान हैं, मैं इनको बधाई भी देता हूँ कि आइंदा हमेशा ये लोग जो हैं कि अपनी अपनी फसल बाकी के गांव के लोगों को बताए कि अपनी फसल का जो है अच्छी तरह से जो है पैदावार करें। मैं भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।